Recording stopped. Recording in progress. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब सब ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर टू का जो आखिरी फेज था उसके हवाले से, और इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन का क्या रोल था और वर्ल्ड वॉर टू के बाद की दुनिया किस तरह से शेप हुई, किस तरह से उसके अंदर कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई, क्या पॉलिसी अपनाई गई और क्या इम्पैक्ट्स थे प्रेसिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रूमैन के। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का रोल पढ़ा था, तो उनकी डेथ हो गई थी 1945 में, जो वर्ल्ड वॉर टू का अभी कुछ ही टाइम रहता था ख़त्म होने में, तो एफडीआर प्रेसिडेंट एफडीआर की डेथ हो गई। तो हैरी एस ट्रूमैन वाइस प्रेसिडेंट थे। वॉइस ठीक है जी बाकी सब के लिए या मसला आ रहा है? ठीक है सर। अच्छा नौशरवान, आप अपना माइक चेक करें, मेरे ख्याल में ये स्पीकर चेक करें। तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट कमांड संभाल लेता है इन केस अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या इम्पीचमेंट हो जाती है, वो रिमूव हो जाता है किसी की भी वजह से। तो हैरी एस ट्रूमैन कोई बहुत ज़्यादा जाने पहचाने शख्स नहीं थे अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको एक इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट के तौर पे जाना जाता है। तो और उनके काफ़ी सारे जो काम थे उनका एक बड़ा उनकी लेगेसी और उनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो हम देखते हैं कि क्या उनके ऐसे डिसीजंस थे जिनका बहुत ज़्यादा बाद में दुनिया के जो आने वाले डेकेड्स थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। सो 12 अप्रैल 1945 को इन्होंने संभाली प्रेसिडेंसी अमेरिका की, और बिल्कुल एक नए फेज में ये दाखिल हो गए, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और वर्ल्ड लेवल पे जो डिप्लोमेसी जो एक टू फिल द शूज ऑफ प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बिकॉज ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल एट वर्ल्ड स्टेज, तो उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से चीज़ों को आप कह सकते हैं कि संभाला। इनका जो मेजर डिसीजन था जो कि शुरू के अंदर ही इनको करना पड़ा वो था टू यूज एटॉमिक वेपन्स ऑन ईरान, हिरोशिमा और नागासाकी और नॉट। सो ही डिसाइडेड टू यूज एटॉमिक वेपन्स, और उन्होंने जस्टिफाई इस तरह से किया इसको कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स को भेजा जाए जापान के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होंगी, और जापानीज आर्मी उनका एक बहुत एक कल्चरल जापान का एक था जिसमें वो सुसाइड को एक मजहबी नुक्ता नगाह से देखते थे और वो समझते थे कि जान देना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप हथियार डालें, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद पे थे। हालांकि जापान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी तबाह भी हो चुका था, लेकिन जो वहाँ की आर्मी थी वहाँ के जो लोग थे वो हथियार डालने पे तैयार नहीं थे। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जो कि काफ़ी एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़े क्वेश्चनेबल डिसीजन था, बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था एटॉमिक वेपन्स को यूज़ करने का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ होगी इन्वेजन ऑफ जापान, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ जापान, तो वो ज़्यादा कॉस्टली है। सो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो उनके जहन में आया, उन्होंने कहा कि एटॉमिक वेपन्स यूज़ करना, क्योंकि उसके अंदर जाहिर है सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई एटॉमिक वेपन्स यूज़ करने से, बट ही डिसाइडेड टू यूज़ देम। और उनके टेबल के ऊपर एक बड़ी होती थी पट्टी सी लिखी हुई, एक कार्ड सा होता था जिसके ऊपर लिखा हुआ होता था द बक्स स्टॉप्स हेयर,
तो उनका यानी ये मानना था कि एंड डिसीजन प्रेसिडेंट ने करना होता है, तो उन्होंने फिर ये डिसीजन एक उन्होंने कहा कि जी मैं इसको अपने सर लेता हूँ, और उन्होंने ये डिसीजन किया। फिर उसके बाद उन्होंने पोसडम कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर मेन जो ये पावर्स थी, अलाइड पावर्स जो कि जंग जीत चुकी थी, उसमें रशिया था, उसमें अमेरिका था और उसमें यूके था। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन और जो थे यूएसएसआर के चेयरमैन पार्टी के जोसेफ स्टालिन और प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये तीन बड़े लीडर्स पोस्टडम कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस की वजह से काफ़ी सारे एक तरह से पता भी चला, उसके जो नतायज हुए तो उसके अंदर काफ़ी ये पता चला कि काफ़ी टेंशनस हैं तीनों मेजर इत्तेहादियों के दरमियान में। और उस मतलब एक सामने आई चीज़ें कि ये काफ़ी इनके अंदर के मामलों में काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ओवर सॉ किया फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस को। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट थे उनका एक विजन था, और वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स इस चीज़ को इन्विजन कर चुके थे कि एक यूनाइटेड नेशंस का एक सेटअप होना चाहिए। लेकिन फिर जाहिर है जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन की बारी आई तो उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया और इसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसके अंदर अपनी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से हिमायत भी की और सपोर्ट भी की और इसको लीड किया इन एफर्ट्स को, और डिप्लोमेसी को अपने एंड पे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन को बढ़ाया। और इसी की एक जो एक कह लें कि कड़ी थी वो जापान के अंदर भी था, और मार्शल प्लान आ गया। जापान के अंदर जो हालात थे वो मैंने आपको बताया कि एक तो एटॉमिक वेपन्स प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने डिसाइड किया यूज़ करने का, दूसरी जो डिसीजन था वो ये था कि जापान के ऊपर अमेरिका अपना कंट्रोल रखेगा। और इस वक्त भी अगर आप थोड़ा इल्म रखते हों जनरल नॉलेज का, तो अमेरिका की बेसिस हैं जापान के अंदर और जापान को अलाउ नहीं है अपनी आर्मी रखना। अमेरिका एज अ शील्ड एक्ट करता है जापान के लिए, और जापान के जो डिफेंस की गारंटी है वो अमेरिका ने ली हुई है। सो जापान जो है वो उसके अंदर सिर्फ पुलिस मेन एक रोल प्ले करती है, आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। ऑल्दो वो अब बढ़ा रहे हैं, क्वाड के अंदर भी जापान शामिल हुआ है और उन्होंने अपनी जो डिफेंस की स्पेंडिंग है वो $2% ऑफ देयर बजट से ऊपर बढ़ाने का डिसाइड किया है। तो लेकिन एक हिस्टोरिकली जो पिछले 4-5 डेकेड्स हैं उसमें जापान ने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस किया है और अपनी आर्मी को उन्होंने डिवेलप नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि अमेरिका ने उनकी जो एक सिस्टम था उसको उन्होंने जब जापान को इन्वेड जाहिर किया और उसके बाद जब कंट्रोल संभाला तो उन्होंने इस तरफ लेके गए जापान को कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, इकोनॉमी पे तवज्जो हो और ये चीज़ें इस तरह से ना हो। सो इसमें एक जनरल थे, जनरल डगलस मैकार्थर, बड़े मशहूर जनरल हैं जो दो एक आप कहें कि वर्ल्ड वॉर टू के सिग्निफिकेंट फ्रंट्स थे, उसमें एक नॉर्मेंडी बीच की लैंडिंग्स थी जिसमें हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे वो उस वक्त के जनरल थे ड्वाइट डी आइजनहावर, उन्होंने लीड किया था नॉर्मेंडी की लैंडिंग्स को और जापान की तरफ से जो इन्वेड किया था यूएस ने और अलाइड पावर्स ने, तो वहाँ से ड्वाइट डी आइजनहावर की कमांड में थे। और जो पैसिफिक कमांड थी वो जनरल डगलस मैकार्थर की थी। और इनका एक बड़ा बाद में कोरियन वॉर के अंदर जो आगे इसी के नेटो सॉरी जो हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के अंदर, तो डगलस मैकार्थर और हैरी एस ट्रूमैन की आपस में कुछ अनबन हो गई थी कोरियन वॉर के अंदर जो कि 1952 के अंदर हुई थी। और यहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी की आप देखें कि इतने बड़े हीरो को जनरल मैकार्थर को प्रेजिडेंट ट्रूमैन ने बरतरफ कर दिया था। और उसकी वजह यह थी कि जनरल मैकार्थर ये चाहते थे कि जापान को तो हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन चाइना और रशिया उस वक्त कोरियन वॉर के अंदर शुमाली कोरिया को हिमायत कर रहे थे, तो जनरल डगलस ये चाहते थे कि चाइना को भी इन्वेड किया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन हैरी एस ट्रूमैन ने इस चीज़ को मुखालफत की। सो जब इनके इख्तलाफात बढ़े तो इन्होंने उनको इतने बड़े वॉर हीरो को बरतरफ कर दिया, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का वावेला नहीं हुआ। और जाहिर है कि जो एग्जेक्टिव पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, तो इतने बड़े जनरल ने भी
उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते थे। सो बहरहाल ये जो जनरल मैकार्थर थे, इन्होंने जापान के अंदर लीड किया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट को, और उनकी जो बैकिंग थी वो ट्रूमन के पास थी। फिर पोस्ट वॉर यूरोप और कोल्ड वॉर का जो आगाज है वो भी प्रेसिडेंट ट्रूमन के दौर में हुआ, उसकी डिटेल थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ट्रूमन डॉक्ट्रिन मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसमें मार्शल प्लान और यूरोपियन रिकवरी का था, वो भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिर बर्लिन एयरलिफ्ट का एक वाकया हुआ था, यानी एक टाइम जो था 1948-49 का ये टाइम था। तो अब 1945 में वॉर एंड हुई है, 1945 के बाद 1948 तक पहुंचते पहुंचते यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में इतने फासले बढ़ गए थे कि जो जर्मनी का कंट्रोल था, अगर आपको वर्ल्ड वॉर टू का थोड़ा सा आइडिया हो, तो एक साइड से फ्रांस वाली साइड से एलाइड फोर्सेस ने अटैक किया था, और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन वाली साइड से रेड आर्मी ने अटैक किया था। तो जो बर्लिन था, जो असल में जर्मनी को जो आजाद करवाया था, वो रेड आर्मी ने आजाद करवाया था। रशिया ने ये जंग जीती थी जर्मनी के खिलाफ, जो सरेंडर किया था नाजी सोल्जर्स ने, वो जो हिटलर की आर्मी थी उन्होंने असल में सरेंडर किया था यूएसएसआर की आर्मी को, वो अमेरिका की आर्मी को उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। सो रेड आर्मी ने जो है वो बर्लिन को बेसिकली आजाद करवाया था। और अगर आप देखें बर्लिन जो है जर्मनी के मैप के, तो बर्लिन ईस्ट साइड पे है, यानी रशिया वाली साइड पे है। तो जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था चार हिस्सों में, एक हिस्से पे फ्रांस का कंट्रोल था, एक पे ब्रिटेन का, एक पे यूएसएसआर का और एक पे यूएस का, और बर्लिन को भी चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया था। अब जो बर्लिन का जो कैपिटल है, यानी वो कैपिटल लाए करता है यूएसएसआर वाले सेक्शन में, यानी आपने एक वेस्ट जर्मनी बना दिया, एक ईस्ट जर्मनी बना दिया, तो जो कैपिटल था वो ईस्ट साइड पर मतलब जियोग्राफिकली लाए करता था, उसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। तो ये आप मैप में देखें, जो जो बर्लिन की जो कंडीशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी एक गंभीर किस्म की सिचुएशन थी। तो जो यूएसएसआर ने क्या किया, उन्होंने बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। अब वो उनकी टेरिटरी में था, जाहिर है बर्लिन पूरे का पूरा ईस्ट जर्मनी की टेरिटरी के अंदर था, और ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट जो सिस्टम को अपना चुकी थी और यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, लेकिन कैपिटल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें से एक हिस्सा एलाइड के कंट्रोल में था। तो यूएसएसआर ने पूरे बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। अब उसके जो नतीजे में अमेरिका और एलाइड ने यह फैसला किया कि हम इस ब्लॉकेड को कामयाब नहीं होने देंगे, और उस सिलसिले में बर्लिन एयरलिफ्ट का एक जो है ना, ये बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किया गया। इसमें क्या हुआ कि एलाइड फोर्सेस ने जो जितना भी राशन था, जितनी भी रिसोर्सेज थी, जितनी भी चीजें थी जो चाहिए थी लोगों को, शहरियों को, आर्मी को, वो जहाजों के जरिए पहुंचाई बर्लिन के अंदर। तो ये बर्लिन एयरलिफ्ट से एक जो है वो आगाज आप कह सकते हैं कि जो हॉस्टिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आई। तो ये भी ट्रूमैन जो है ये इनका ऑर्डर था बर्लिन एयरलिफ्ट का, और ये बड़ा मेजर ऑपरेशन समझा जाता है, और उसको बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन समझा जाता है, जिसकी वजह से बर्लिन ब्लॉकेड जो है वो कामयाब नहीं हो सकी थी। सो उसके बाद फिर नेटो और मिलिट्री अलायंसेस जो है वो ट्रूमैन ने परसी की। नेटो की जो फॉर्मेशन थी 1948-49 के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हैरियस ट्रूमैन का एक आप इसको कारनामा कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप के लिए, ये डिफेंस के लिए नेटो एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। सो अगर आप समराइज करें इनकी प्रेसिडेंसी को, तो उसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। ट्रांजिशन हो रही थी वॉर से पीस की तरफ, फिर हैरियस ट्रूमैन ने खुद जो चार्ज संभाला था, बड़े मुश्किल हालात में संभाला था, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से, ही रोज टू द ओकेजन, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और फिर कोल्ड वॉर को और जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो जो दो मेजर पावर की आपस की जो राइवलरी थी, वो ट्रूमैन दौर के अंदर ही उसका एक हमें खतुखाल नजर आते हैं, जो पॉलिसी उन्होंने उनके दौर में डिफाइन हुई थी उसके अंदर। फिर हम आगे देखेंगे जो पॉलिसी कंटेनमेंट की वो किस तरह से हुई थी। तो ये ट्रूमैन के कुछ ऐसे काम है जो बड़े इन्फ्लुएंशियल और बड़े लॉन्ग टर्म रहे थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं वर्ल्ड वॉर टू के हवाले से, इनको आप लोगों ने खुद ही देख लेना है, क्योंकि ये याद करने वाले हैं, कुछ इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है।
अब आप कहा जाता है 1950s को मैंने यहाँ पे शामिल किया है ताकि आप 50s का जो एक ओवरऑल जो उन दिनों के या उस डेकेड के जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे या उस वक्त जो एक कल्चर या यूएस की क्या कंडीशन क्या चल रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1950s को थोड़ा सा अलग से दे दिया है। ये इवेंट्स बाद में रिपीट भी होंगे किसी कोल्ड वार के जो इवेंट्स आए, कोल्ड वार बड़े ये रिलेटेड हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 50s के अंदर अमेरिका के अंदर क्या चल रहा था। तो 50s में जो प्रेसिडेंट्स थे वो पहले हैरी एस ट्रूमैन जो कि हमने पढ़ ली हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे ड्वाइट डी आइजनहावर, मैंने आपको बता दिया कि ये जनरल थे जिन्होंने नॉर्मंडी की लैंडिंग्स को लीड किया था, और इनके हवाले से एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। ये आईआर के स्टूडेंट्स के लिए काफी इसका मतलब आप इसको हवाले के तौर पे काफी इस्तेमाल किया जाता है कि अमेरिका का जो है ये इनके जो लास्ट फेयरवेल स्पीच थी उन्होंने इसमें वार्न किया था कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से खबरदार रहना चाहिए। तो बहरहाल कोरियन वॉर हुई 1950s के अंदर, ये पहला सिग्निफिकेंट इवेंट था जिसने एक डायरेक्शन सेट की काफी आने वाले सालों के लिए। उसमें सोवियत यूनियन और चाइना जो थे उन्होंने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को, और साउथ कोरिया को इन्वेड किया गया, जिसमें फिर यूएस ने डिसाइड किया कि वो इस कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देगा यहाँ पे। तो एक डोमिनो थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि डोमिनोज फॉल करेंगी, तो वो अगर एक मुल्क को हमने कम्युनिस्ट बनने दिया तो फिर आगे ये एक सिलसिला चलता रहेगा और ये कहीं रुकेगा नहीं। सो जैसे ये पहला एक कह लें कि अटैक हुआ तो यूएस और एलाइज ने ये फैसला किया, और खासतौर पे यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और ये जो है ना कोरियन वॉर के सिलसिले में ये एलाइज ने यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंडर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया साउथ कोरिया को, जिसके नतीजे में कोरिया डिवाइड हो गया। आज भी वो डिवाइडेड है, 38th पैरेलल लाइन उसके दरमियान में है नॉर्थ और साउथ के दरमियान में। सो ये पहला एक टेस्ट था, मैंने आपको बता दिया कि जनरल मैकार्थर को इस वॉर के दरमियान में डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से। सो जो उसके बाद फिर 1950s में क्या हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का एक खास असर हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा आई, कंज्यूमर कल्चर बहुत ज्यादा आया इस डेकेड के अंदर, बहुत ज्यादा एक अमेरिकन ड्रीम की जो है वो बड़ी एक, क्योंकि एक अमेरिका जाहिर है जंग जीत चुका था सुपर पावर के तौर पे, एक सोल सुपर पावर के तौर पे, और फिर एक कैपिटलिस्ट लीडर के तौर पे सामने आया था। तो ये काफी ज्यादा इसमें एक कंज्यूमर कल्चर और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी। फिर कोल्ड वॉर और रेड स्केयर, कोल्ड वॉर तो आपको पता ही है, रेड स्केयर जो है ये अमेरिका के अंदर की एक कहानी है, अमेरिका के अंदर एक कम्युनिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ एक बहुत ज्यादा एक बढ़ गई, नफरत बढ़ गई थी अमेरिका के अंदर, और खौफ भी पैदा हो गया था। तो हर जो भी चीज होती थी उसको कम्युनिस्ट के साथ और कॉमीज कहा जाता था कि ये तो कॉमी है, जो भी आपके मुखालिफ होता था या जो भी जरा से लिबरल लेफ्ट पे होता था सोशल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करता था तो उसको कहते थे ये कम्युनिस्ट सिंपथाइजर है और ये कॉमी है। तो एक उस दौर में मैकार्थीज्म की जो है ना वो बहुत ज्यादा फिजा फैली। सेनेटर जोसेफ मैकार्थी थे जिन्होंने क्या किया कि एक एंटी कम्युनिस्ट इन्वेस्टिगेशंस जो है वो लॉन्च कर दिया। आपने शायद देखा होगा सेनेट की हियरिंग्स होती हैं अमेरिका के अंदर, तो ये मैकार्थी साहब ने जो है बहुत ज्यादा इस काम को चला दिया, और जो भी इनको जरा सा भी कहीं से भी होता था या किसी के साथ ये इनकी मुखालफत भी होती थी ये उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर देते थे और कहते थे कि ये तो कम्युनिस्ट है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक बड़ा मैकार्थीज्म का ये एक प्रोपेगेंडा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, और एक बड़े लोगों को डर भी हुआ कि कहीं मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप इसको कह सकते हैं कि जो भी आपको मुखालिफ है उसको आपने एक कम्युनिस्ट करार दे दिया है। फिर एक न्यूक्लियर एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि सिर्फ यूएस नहीं था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसएसआर के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे 50s के अंदर ही, और फिर चाइना भी 1961-62 तक वो भी सुपर पावर सॉरी जो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो 50s के अंदर ये काफी एक था डर था कि कहीं जो है वो मतलब अगर जंग हो गई, क्योंकि उस वक्त एक नया नया सिस्टम था, अभी चले 50-70 ईयर्स हो चुके हैं तो अब एक डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है कि स्टेट्स जो है मैड का एक कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करती, लेकिन उस वक्त ये चीज नहीं थी और नए नए वेपन्स यूज हो चुके थे तो लोगों को बहुत ज्यादा इसका डर था। तो अमेरिका के अंदर ड्रिल्स मुख्तलिफ जगहों पर हुआ करती थी और इट वॉज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ के सिविल डिफेंस के जो है वो मनसूबे जो है वो चलते रहते थे, और उसमें न्यूक्लियर जो स्केयर था वो काफी ज्यादा था। फिर 50s के अंदर ही सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसको हम डिटेल में देखेंगे।
एक बेबी बूम और सब अर्बनाइजेशन का एक एक कॉन्सेप्ट है। बेबी बूमर्स एक खास जनरेशन भी है, जैसे अब बेबी बूमर्स और उसके बाद जनरेशन एक्स, फिर मिलेनियल्स, या अगर आप जनरेशन को जो लेबलिंग है अगर आपको उसका आइडिया हो तो ये एक बेबी बूमर्स ये थे कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो इकोनॉमी बूम आया उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा रेट ऑफ फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो है बच्चे ज्यादा पैदा हुए कंपैरेटिवली, सो उसको बेबी बूमिंग एरा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बर्थ्स इसमें हुई। और फिर सब अर्बनाइजेशन क्या था कि जो सिटीज थी वो फैलना शुरू हुई, तो एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक जो है वो एक सबर्ब्स का एक कॉन्सेप्ट आया कि जो बड़े शहर हैं उनके साथ एक जिस तरह आप कह लें कि हाउसिंग स्कीम्स, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अब लाहौर के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दोनों तरफ मुल्तान रोड पे भी और दूसरी तरफ भी आपको हाउसिंग स्कीम्स ही नजर आती हैं, तो ये भी आप इसको सब अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। फिर रॉक एंड रोल और यूथ कल्चर बहुत ज्यादा है। रॉक एंड रोल 50s का, 60s का, 70s का बहुत ज्यादा मशहूर है, वो 50s से स्टार्ट हुआ था। और एल्विस प्रेस्ली बहुत बड़े उनके सिंगर हैं यूएस में और बहुत मशहूर हैं, उन पे बहुत ज्यादा मतलब लोग अभी भी उनका नाम चर्चा करते हैं। सो चक बेरी भी एक नाम है। फिर मैकडोनल्ड्स और फास्ट फूड कल्चर, मैकडोनल्ड्स का आगाज हुआ सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट मैकडोनल्ड्स वाले लेके आए, जो कि फोर्ड मोटर्स ने असेंबली लाइन को स्टार्ट किया था इंडस्ट्री के अंदर, तो इन्होंने इसको एक तरह से कह लें अडॉप्ट किया अपने जो है वो बर्गर बनाने में। और फास्ट फूड चेन्स नई नई खुली, तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स नहीं और भी बहुत सारी जो है फास्ट फूड की चेन्स खुलना शुरू हुई। फिर एक और सिग्निफिकेंट स्पेस रेस स्टार्ट हुई और स्पुटनिक लॉन्च किया रशिया ने, उसमें एक जो वो थी फीमेल डॉग थी लाइका आई थिंक उसका नाम था, तो वो लॉन्च की गई। और उसके बाद फिर एक स्पेस रेस का आगाज हुआ और फिर अमेरिका ने भी जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा अपोलो मिशंस के जरिए। सो एक स्पेस रेस जो है एक प्राइड के तौर पे और एक जो है वो एक इसको जंग कह लें आप, एक कंपटीशन कह लें इसको, जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर 60s के बाद बहुत ज्यादा जो है वो हमें विमेन राइट्स मूवमेंट्स नजर आती हैं। 1961 के बाद खास तौर पे ज्यादा ये विमेन राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका आगाज बहरहाल 1950 में भी हो चुका था। उसकी वजह यह थी कि जंग जब हुई थी तो जो मेल सोल्जर्स थे वो जो चले गए थे, ड्राफ्ट हो गए थे आर्मी के अंदर, तो जो फीमेल थी वो बहुत ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पे वॉर प्लेन्स बहुत ज्यादा बिल्ड किए औरतों ने, तो जब वो लोग वापस आए जंग से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थी वर्क फोर्स एक जंग की तरफ शिफ्ट हो गई थी, यूरोप में चली गई थी, तो जो वापस आए तो फिर उनको एक काफी ज्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई। जो औरतें थी उनको दोबारा कहा गया कि आप घरों में बैठे हैं, तो वो एक तरह से उन्होंने एक सोशल लाइफ को और देख लिया था, तो उनको वो एक अब वो वापस आना नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसकी वजह से फिर एक चेंज आया कल्चर के अंदर और नॉर्म्स के अंदर एक चेंज आया कि जो औरतों का रोल है वो क्या होना चाहिए, क्या उनको घर में ही रहना चाहिए या नहीं, ये वो। उसके बाद फिर टेलीविजन का आगाज हुआ, तो पॉप कल्चर और मुख्तलिफ शोज काफी ज्यादा मशहूर हुए, लोगों ने एक नए तरीके से टेलीविजन को लेना शुरू किया। अब तो खैर टेलीविजन का वो वाली बात नहीं रही, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो पीटीवी का, जब पीटीवी घरों में पहुंचा था तो लोगों का एक बड़ा शौक होता था, टेलीविजन के ड्रामे बड़े मशहूर होते थे और पीटीवी का खास उसके अंदर एक रोल होता था। अच्छा, अब 1950s को मैंने एक थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए, जो बेसिक उस वक्त की पॉलिटिक्स है वो कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर के अराउंड रिवॉल्व करती है। और उसमें मार्शल प्लान आपने जरूर सुना हो शायद, उसमें जो उसका ऑफिशियल नेम था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था, तो यूएस ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो डेवस्टेशन हुई थी उसके नतीजे में एक नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म फैला था और जो है वो बहुत ज्यादा उसकी वजह से पॉपुलिस्ट लीडर्स ने एक्सप्लॉइट किया और बड़ा उसका नुकसान हुआ, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई, तो इस दफा ये गलती हमने नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अब हम लीड करेंगे एफर्ट्स को और अब लिबरलिज्म को हम फैलाएंगे, डेमोक्रेसी को फैलाएंगे, इकोनॉमी को फैलाएंगे और हम सपोर्ट करेंगे उन स्टेट्स को जिनको अगर हम स्टेट जिनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर दोबारा शायद लड़ाई झगड़े की तरफ चली जाएं, और अगर हम उनको एक खास डायरेक्शन देंगे तो शायद पॉसिबल है कि वो जो एक कंडीशन है वो पैदा हो जाए और इकोनॉमी उनकी डेवलप हो जाए, तो
इस तरह से की फिजा ना बने कि जिसकी वजह से पॉपुलिस्ट लीडर्स दोबारा एक्सप्लॉइट करें. सो जो ये प्लान था बेसिकली वो था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का थोड़ा सा आपको बता दूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर के बराबर होता है. तो जो भी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं वो सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका का होगा. सो जॉर्ज सी मार्शल ने ये प्लान प्रपोज किया था 1947 में, और जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और इसके नतीजे में एक एड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, खास तौर पे उन कंट्रीज के लिए जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए और कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो यूएस की साइड पे आना चाह रहे थे, खास तौर पे टर्की और ग्रीस इसमें बड़े काबिल जिक्र हैं. टर्की को बहुत सपोर्ट किया गया, ग्रीस की जो बिल्डअप किया गया, ग्रीस के अंदर कम्युनिस्ट का एक डर खतरा था कि वहां पे कम्युनिस्ट दोबारा ना जीत जाए. सो उसमें और इटली के अंदर भी, सो इन कंट्रीज को बिल्ड किया गया और $13 बिलियन की एड दी गई. इसको अगर आप आज के दिन के हिसाब से देखें तो अराउंड 140-150 बिलियन डॉलर्स के करीब की वो रकम बनती है. सो 16 यूरोपियन नेशंस को जो है वो एड दी गई. अमेरिका ने ऑफर की यूएसएसआर को भी एड, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और खास तौर पे जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न जो यूएसएसआर के करीब यानी यूक्रेन, पोलैंड और जॉर्जिया, ये वाले जो मुल्क थे, यूएसएसआर ने कहा कि इनको भी आप एड नहीं देंगे, ये हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे. रशिया उसको अपना बैकयार्ड समझता था, सो उन्होंने एक अलग से उसको जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लिया उसके अंदर. फिर जो है इसके नतीजे में जब ये अमेरिका का एक तरफ से इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर बनाना शुरू किया, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से जब इनकार किया तो एक कंटेनमेंट की डॉक्ट्रिन एक प्रपोज की गई. जॉर्ज एफ कैनन थे, ये पहले जो है ये एम्बेसडर थे रशिया के अंदर, और एक सीनियर डिप्लोमेट के तौर पे इन्होंने एक खत लिखा था बेसिकली, यानी इसको लॉन्ग टेलीग्राम कहते हैं, टेलीग्राम इन्होंने सेंड किया था, जिसके अंदर इन्होंने अपनी वो एनालिसिस और असेसमेंट दी थी कि क्या यूएसएसआर और यूएस आपस में कंपेटिबल हैं या नहीं है. सो ही प्रपोज्ड के जो इश्यूज चल रहे हैं यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान में, उनकी बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें. वो भी आर्ग्यूड बेसिकली कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की डिवाइड है, जो पॉलिटिकल सेटअप है डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों मुल्क आपस में कोऑपरेट कर सकें. तो बेसिकली उन्होंने ये प्रपोज किया कि सबसे बेस्ट जो आपकी पॉलिसी है वो ये है कि आप कंटेन करें यूएसएसआर को. कंटेन का मतलब ये है कि आप इसको फैलने से रोकें, इसके जो सिस्टम है उसको फैलने से रोकें, कम्युनिज्म को फैलने से रोकें. उसमें फिर डिफरेंट आगे स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई, जिसमें से एक स्ट्रेटजी वॉर की स्ट्रेटजी भी थी, हमने कोरियन वॉर के में देख लिया उसको. तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अंडर आ जाती है, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी हम आगे देखेंगे कि वो क्या थी, वो भी इससे लिंक्ड ही है बेसिकली, है भी यही, वो थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेंगे कि वो एक लाइन में क्या चीज़ होती है. सो सोवियत एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ कंटेनमेंट की डॉक्ट्रिन आई, और इसके अंदर जो है वो असिस्टेंस दी गई, मिलिट्री असिस्टेंस भी दी गई, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दी गई उन मुल्कों को जिनको खतरा था कम्युनिज्म से. सो बेसिक इसका ये पर्पज था. एक आयरन कर्टन की स्पीच थी विंस्टन चर्चिल की, वो भी आगे आएगी कोल्ड वॉर में, हम उसको देख लेंगे. और बर्लिन एयरलिफ्ट मैंने आपको बता दिया, सो ये कोल्ड वॉर के इवेंट्स हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं. अच्छा, कोल्ड वॉर का अब हम अलग से देखेंगे कि कोल्ड वॉर बेसिकली क्या थी. पिछले ये जो दो इवेंट्स थे इसमें मैंने आपको एक दिया कि 1945 से 50 के दरमियान में क्या चीज़ें हुई थी. तो अब जो है वो हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर क्या था और उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या थे. सो कोल्ड वॉर वॉज अ जियोपोलिटिकल आइडियोलॉजिकल एंड मिलिट्री राइवलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज, ऑफन रिफर्ड टू एज द वेस्टर्न ब्लॉक, एंड द सोवियत यूनियन एंड इट्स ईस्टर्न एलाइज नोन एज द ईस्टर्न ब्लॉक. सो ये एक जियोपोलिटिकल आइडियोलॉजिकल एंड मिलिट्री राइवलरी थी. इसके अंदर कल्चरल राइवलरी भी शामिल है, इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल राइवलरी भी इसके अंदर शामिल है, और इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल राइवलरी भी इसके अंदर शामिल है. और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, वर्ल्ड वॉर टू के एंड से लेकर 1991 तक ये चलती रही. और जो इसका नाम है कोल्ड वॉर, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेरिका और यूएस के दरमियान में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर नहीं हुआ,
एक इसको इसलिए फिर ये कोल्ड वॉर इसको कहते हैं, अदरवाइज इसके अंदर बड़ी प्रॉक्सी वॉर्स हुई और इसके अंदर ये जो है वो काफ़ी इस तरह के इश्यूज हुए जिसके तहत आप कह सकते हैं कि ये वॉर कोल्ड नहीं थी, बेसिकली ये हॉट वॉर आप इसको कह सकते हैं, एक्टिव वॉर कह सकते हैं। ओरिजिन क्या था? इट इमर्ज्ड फ्रॉम द पावर वैक्यूम लेफ्ट बाय द डेवेस्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। सो एक जो है ना एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, यूरोप जो है मुकम्मल तौर पे डेवेस्टेट हो चुका था और यूरोप को जो है वो डोमिनेट कर रहे थे एक तरफ से यूएसएसआर, मैंने आपको बताया रेड आर्मी ने बर्लिन को है वो आज़ाद करवाया था, और दूसरी तरफ यूएस। तो अब ये दोनों पावर्स जो थी ये आपस में जो है ना ये इमर्ज की, यूके बिल्कुल एक तरह से काफ़ी मुश्किल हालात का शिकार था, तो उसमें ये फिर जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो दो नई पावर्स एक तरह से सामने आई, और जो एक डेवेस्टेशन की वजह से ही एक पॉलिटिकल सिस्टम टर्मोइल का शिकार था और जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर था, तो उसके नतीजे में ये राइवलरी स्टार्ट हुई। द जाल्टा कॉन्फ्रेंस जो थी और पोस्टडम कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर एक जो टेंशन थी वो हमें सामने नज़र आई वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है वो कंट्रीज के दरमियान में, यूएसएसआर और यूएस के दरमियान में। फिर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी ये था, इसके अंदर मेन जो था वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई थी ये, और साथ में डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन की लड़ाई भी ये थी। कंटेनमेंट और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मैंने आपको पढ़ा दिया कि कंटेनमेंट क्या थी और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आगे हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या थी। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये जो चीज़ें हैं ये कोल्ड वॉर के साथ लिंक्ड हैं, पढ़ आप इसको थोड़ा सा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो मार्शल प्लान मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक राइवलरी मैंने आपको बता दिया, सो वो भी कोल्ड वॉर का हिस्सा है। फिर आयरन कर्टन स्पीच मैंने आपको बताया कि विंस्टन चर्चिल ने ये स्पीच की थी मिसूरी के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि एक आयरन कर्टन हमें बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक को हम सेपरेट कर सकें कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक से। सो यहाँ से एक एक तरह से आपको ओरिजिन की जो है वो नज़र आती है कि कैसे 1956 के अंदर 46 के अंदर इन्होंने ये स्पीच कर दी थी। फिर मिलिट्री अलायंसेस बनी इसके कोल्ड वॉर के अंदर, उसमें नेटो बनी, और उसके अगेंस्ट जब नेटो बनी 1949 में, तो 1955 के अंदर वारसा पैक्ट हुआ। वारसा पैक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मनी जो वेस्ट जर्मनी था उसको नेटो के अंदर शामिल किया गया था। सो यूएसएसआर सॉ कि ये जो नेटो है ये तो एक्सपेंड करके बिल्कुल हमारे पास पहुंच गया है, वेस्ट जर्मनी को इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया है, तो अब हमें वारसा पैक्ट, हमें भी एक अलायंस बनानी पड़ेगी। उसी को अगर आप अभी के हालात के साथ लिंक करें तो अभी यूक्रेन को जब यूएस ने कहा कि हम नेटो में शामिल करेंगे तो अगेन रशिया ने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है और एक वॉर स्टार्ट हुई है। फिर इसी के अंदर न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी स्टार्ट हुई, प्रॉक्सी वॉर्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हुई, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाइलअप हुए दोनों तरफ, यूएसएसआर ने भी किए यूएस ने भी किए, तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो आर्म्स रेस दोनों मुल्कों के दरमियान में स्टार्ट हुई। फिर प्रॉक्सी वॉर्स, अफगान वॉर इसके अंदर शामिल है, वियतनाम वॉर इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर कोरियन वॉर शामिल है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स थे लेकिन इसके अंदर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी दोनों मिलिट्री पावर्स की। फिर स्पेस रेस और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन मैंने आपको बता दिया। अब अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें आपको पहले बता तो दी हैं लेकिन अब कोल्ड वॉर के अंदर अब इसको आप लिंक करेंगे कि ये इसका हिस्सा है। फॉर्मेशन ऑफ नेटो और इसके अंदर कलेक्टिव डिफेंस की एक जो है वो डॉक्ट्रीन शामिल थी नेटो के अंदर, इसके अंदर आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी ये कहता है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो सारे मुल्क मिलके उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एन अटैक ऑन वन मेंबर नेशन वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स एंड कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन वुड बी टेकन इन रिस्पॉन्स। तो ये आर्टिकल 5 का जो है वो एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसी वजह से यूक्रेन का जो इशू है तो यूएसएसआर नहीं चाहता कि यूक्रेन इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि यूक्रेन अगर शामिल होता है तो अगर कल को यूक्रेन और रशिया का आपस में प्रॉब्लम बनती है तो नेटो डिफेंड करने के लिए आ जाएगी यूक्रेन को, और यूएसएसआर इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता और यानी नहीं देखना चाहता। तो जब फॉर्मेशन ऑफ नेटो हुई 1949 के अंदर, मैंने आपको बता दिया कि उसके अगेंस्ट पर वारसा पैक्ट साइन किया। वारसा पैक्ट क्या था? ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साथ थी जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके साथ मिलके यूएसएसआर ने साइन किया था। सो नेटो क्या था? नेटो 12 वेस्टर्न कंट्रीज थी जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूके ने
सब ने मिलकर ये नेटो का जो है वो मुआहिदा किया था, तो उसके अगेंस्ट फिर वारसा पैक्ट हुआ। अब देखें कि 1949 से लेकर 1955 तक इसको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने आपको बताया कि उसकी रीज़न क्या थी, वेस्टर्न जर्मनी को जब नेटो में शामिल किया गया तो फिर वारसा पैक्ट साइन किया यूएसएसआर ने। फिर इसी कोल्ड वॉर का एक इवेंट था 1959 के अंदर, क्यूबन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर फिडेल कास्ट्रो जो है वो क्यूबन डिक्टेटर को उन्होंने, बैटिस्टा को उन्होंने हटा दिया, फुलजेंकियो बैटिस्टा। और उसकी वजह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्यूबा में बन गई, और जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तो क्यूबा जो है वो अमेरिका के बिल्कुल नीचे है, कैरेबियन सी के अंदर क्यूबा बिल्कुल, फ्लोरिडा स्टेट है यूएस की जिसके बिल्कुल करीब बनता है क्यूबा। तो ये बहुत ज्यादा एक झटका था यूएस के लिए कि हमारे बिल्कुल नेबरहुड में, हमारे बैकयार्ड में ये एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गई है। उसके बाद फिर बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुई 1961 के अंदर। ये क्या थी, ये एक CIA ने कोशिश की कि जो क्यूबन पहले के नेशनलिस्ट हैं उनको क्यूबन नेशनलिस्ट को अपने साथ मिला के तो कोशिश की जाए ताकि जो कास्ट्रो रिजीम है उसको ओवरथ्रो किया जा सके, यानी कि एक कू लेके आया जा सके, और कोल्ड वॉर की जो टेंशन है वो उसके सामने फिर आपको सामने बिल्कुल नजर आई कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट बने, और दूसरी तरफ यूएसएसआर क्यूबा को सपोर्ट कर रहा था। तो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन की गई, एक एक फेल्ड ऑपरेशन था ये। ड्वाइट डी आइजनहावर जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था। अगले प्रेसिडेंट जो कि जॉन एफ कैनेडी आए थे ड्वाइट डी आइजनहावर के बाद, तो उन्होंने कहा कि इसको कैरी आउट अगले प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, अगर वो करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। तो कैनेडी ने फिर इसको एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन ये एक बिल्कुल फेल जो था वो ऑपरेशन था, इसमें जो कू था वो नाकाम हुआ, और अमेरिका को बहुत ज्यादा इसकी वजह से हजीमत उठानी पड़ी, काफी एम्बेरसमेंट हुई वर्ल्ड स्टेज पे, क्योंकि बाद में ये डिस्कवर हो गया था बड़ा इजीली कि ये जो था वो CIA का पूरा ऑपरेशन था, और उसके अंदर अमरीकी भी शामिल थे, ऑपरेटिव शामिल थे। फिर एक बड़ा जो है वो सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्या था, इसको थोड़ा सा आप अगर IR के स्टूडेंट हैं तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये था कि क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल जो है ना वो सेटअप करने शुरू कर दिए, तो अमेरिकन जो सैटेलाइट्स थे इमेजरी से ये चीज सामने आई कि जो है यूएसएसआर अपने जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा के अंदर सेटअप कर रहा है। तो जॉन एफ कैनेडी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको किसी सूरत भी अलाउ नहीं करेंगे, और उन्होंने एक एक 13 डेज का एक बड़ा ये मेजर क्राइसिस था, जिसके अंदर फिर उन्होंने अब एक मसला ये था कि अगर डायरेक्टली इसको अपोज किया जाता था तो खतरा ये था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए, और अगर इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे तो फिर ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यूएस के लिए। फिर जॉन एफ कैनेडी ने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम डायरेक्टली थ्रेट करें, हम इसको क्यूबा को ब्लॉक कर देते हैं बाकी दुनिया से। इसको क्वारंटीन का वर्ड यूज किया गया कि कोई भी जो वेसल आएगी कहीं से भी वो आएगी, वो क्यूबा जब आ रही होगी तो वो यूएस उसको अलाउ नहीं करेगा जब तक कि उसकी मुकम्मल चेकिंग ना कर ली जाए। ये तकरीबन 13 दिन का ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसके बाद फिर मिखाइल गोरबचोव थे चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एशिया के, उन्होंने फिर जॉन एफ कैनेडी के साथ बातचीत करके इस मसले को हल करवाया। तो उसके नतीजे में फिर यूएस ने ये एक्सेप्ट किया कि टर्की के अंदर उनके जो जुपिटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको ऐलानिया तौर पे नहीं हटाया जाएगा, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको भी हटा लिया जाएगा, और जो है वो ये जो मिसाइल्स हैं क्यूबा के अंदर जो यूएसएसआर सेटअप कर रहा था इनको कैंसिल कर दिया गया। ये इस तरह से ये क्राइसिस अवॉइड हुआ। फिर इसके अंदर साल्ट ट्रीटीज हुई, आर्म्स कंट्रोल के कुछ मुआहदे हुए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बिल्डअप शुरू हो गया तो फिर दोनों तरफ से कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई कि कुछ जो है वो ट्रीटीज की जाए, कुछ इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसमें एक बहुत ज्यादा जो सिग्निफिकेंट थी वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, और स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT I और SALT II इसके अंदर साइन की गई थी। फिर दीपांत एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या हुआ था, सॉरी मिखाइल गोरबचोव नहीं थे, जॉन एफ कैनेडी के जिनका हुआ था, आई थिंक वो निकिता खुरशोव थे। मिखाइल गोरबचोव इनके आखिरी जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे। ये आए थे 1980s में मिखाइल गोरबचोव, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि
जो यूएसएसआर है उसको थोड़ा ओपन किया जाए, उसकी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया जाए, जो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको थोड़ा ओपन किया जाए। और ग्लासनोस्ट, इसमें उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई और एक पेरेस्ट्रॉयका की पॉलिसी थी। ग्लासनोस्ट ये थी कि कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर काम किया जाए, और जो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, मीडिया को, गवर्नमेंट को आज़ादी दी जाए। तो ये एक उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स का उनका एजेंडा था। और पेरेस्ट्रोइका जो था वो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का उनका एजेंडा था। सो जो पेरेस्ट्रोइका था वो भी यही था कि कुछ जो है वो कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाए जाएं ताकि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी हो सके। सो जब ये चीजें हुई तो उसकी वजह से जब कंट्रोल लूज हुआ तो काफी ज्यादा फिर मुल्कों में ये रेवोल्यूशन आने शुरू हुई, जो लोगों ने मुजाहरे करने शुरू कर दिए, और यूएसएसआर एकदम से 1991 के अंदर इसको कहते हैं कि इम्प्लोड हो गया, और उसको कुछ समझ भी नहीं आई कि इतना जल्दी कैसे हुआ। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 में जब हुआ तो उसके बाद एक एक कह लें कि एक डोमिनो इफेक्ट ही इसको कहेंगे आप, ये एक एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से कोल्ड वॉर अपने अख्तितम को पहुंची। इसके आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहा। तो कोल्ड वॉर हमने पढ़ लिया है, इसमें यू2 का एक इंसिडेंट है वो हम थोड़ा सा, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, रूमेन और आइजनहावर डॉक्ट्रिन्स और फिर सिविल राइट्स मूवमेंट, अभी और मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। हाँ, 13 डेज मूवी भी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर, बड़ी अच्छी मूवी है। रॉबर्ट मैकनमारा थे उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिनके बड़ा एक रोल था इसके अंदर, इस सारे क्राइसिस को अवॉइड करने में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अवॉइड करने में। जी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको ताकि जो है वाइंड अप करें। आज के लेक्चर हम थोड़ा शॉर्ट ही रख रहे हैं। सर, आपने बताया था कि जापान को यूएस आर्मी दी गई थी, तो वो यूएस ने इंपोज की थी या जापान ने खुद डिमांड की थी? यूएस ने इम्पोज की थी बेसिकली, तो डिमांड इस तरह से कि जापान के अंदर भी था, मतलब एक इम्पल्स था कि जो है ना ये जो डेवेस्टेशन हुई है इसको अब इसको खत्म किया जाए। लेकिन किसी हद तक ये आप कहेंगे कि ये इम्पोज की गई थी, क्योंकि एक बुरी हालत हो गई थी जापान की इकोनॉमी की, और शहर भी तबाह हो गए थे। तो फिर जब ये प्रपोज किया गया यूएस की तरफ से, तो वहां से भी फिर एक किसी ना किसी तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, और एक्सेप्ट इस तरह से किया कि दिल से ही कहेंगे आप इसको कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिकॉज दे यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड देयर इकोनॉमी बैक। और फिर आप देखा आपने कि जापान जो है दुनिया की पांचवी छठी मईशत है आजकल। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, यूएसए की जो 1945 के बाद एज अ सुपर पावर इमर्ज हुआ है, तो ये जो पावर ट्रांजिशन हुआ था मल्टीपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी, कुछ अरसे कल यूनिपोलैरिटी जो थी 49 तक, तो सर उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यूएसए एज अ सुपर पावर सिर्फ इसलिए इमर्ज हुई थी और उस वक्त पे, क्योंकि उसको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए कोई नहीं था। यूएसएसआर तो था, लेकिन यूएसएसआर उस कंडीशन में नहीं था कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके। यूनिपोलैरिटी मैं तो इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ से यूएसएसआर ने ही अटैक किया था, और रेड आर्मी बेसिकली जो थी उसने हराया था हिटलर को, और हिटलर का असल नुकसान भी जो हुआ था वो यूएसएसआर को जब उसने इन्वेड किया था, रशिया को जब इन्वेड किया था उसने, तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ा था। और जब फिर काउंटर अटैक किया रशिया ने, तो वो फिर उसको धकेलते हुए बर्लिन तक लेके आए, और बर्लिन फिर उन्होंने उसको बर्लिन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सो अगर यूनिपोलैरिटी होती तो फिर बर्लिन जो था होता वो पूरे का पूरा यूएस के पास होता, पूरा जर्मनी यूएस के पास होता, ईस्टर्न ब्लॉक बनता ही नहीं। सो यूएस यूनिपोलैरिटी की सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है, तो उस वक्त यूएसएसआर इस पोजीशन में था कि वो एक तरह से अपोज कर सकता था यूएस को। सो एक मल्टीपोलर या बायपोलैरिटी आप इसको कहेंगे, मल्टीपोलैरिटी तो उस वक्त नहीं थी, बायपोलैरिटी का एक सिस्टम इमर्ज किया था, और वो 1991 तक कायम रहा था। और 1991 के बाद जो यूनिपोलैरिटी आई थी उसमें आप बिल्कुल ये कहेंगे कि कोई और अपोज करने वाला नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया था और कोई इस काबिल नहीं था।
अभी फिर चाइना इमर्ज किया, अदरवाइज 20 साल जो है वो यूएस खुद ही राज करता रहा दुनिया पे। और सर इसी दौर में 1960s में यूएस की चाइना के साथ भी जो रिलेशंस बिल्ड अप हुए थे, तो सर उसके क्या वजहात थी? क्योंकि एक तरफ तो वो कम्युनिज्म को कंटेन कर रहा था और चाइना में भी उस वक्त आई थिंक माओ ज़ेडुंग की गवर्नमेंट थी जो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म से आइडियोलॉजिकली, तो क्या वजह थी सर जिसकी वजह से ये अप्रोचमेंट हुआ? जो गवर्नमेंट उस वक्त माओ ज़ेडुंग की नहीं थी, 1962 के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन एक उन्होंने स्टार्ट की थी और उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, तो माओ ज़ेडुंग चेयरमैन तो थे लेकिन बेसिकली वो डिफेक्टो रूलर नहीं थे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो एक कम्युनिस्ट सिस्टम वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था चाइना में, लेकिन इसके अंदर जो है वो आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर की जो है ना वो डिप्लोमेसी, खास तौर पे हेनरी किसिंजर रियलिस्ट थॉट के अंदर हेनरी किसिंजर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक उनका नाम है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने ये नहीं देखना कि चाइना कम्युनिस्ट है या नहीं, हमने ये देखना है कि हमारा असल एनिमी इस वक्त कौन है, हमने किसको असल में कंटेन करना है। तो वो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए उन्होंने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया और 1973 के अंदर 1971 के अंदर मेरे ख्याल में ये 72 के अंदर ये जो थी पाकिस्तान की तरफ से काफी इसके अंदर एक रोल प्ले किया गया था चाइना के जो है वो उसको मतलब बिल्डअप करने में। और रिचर्ड निक्सन ने फिर दौरा किया चाइना का, निक्सन विजिट टू चाइना बड़ा मशहूर है, वो भी आप देखें यूट्यूब पे उसकी बड़ी मजेदार निक्सन की जो है ना वो है, जब वो चाइना गया था तो उसने बड़े ओपन किया था। और यानी ये एक रियलिस्ट थॉट थी हेनरी किसिंजर की कि हमारा असल एनिमी जो है उसको हमने कंटेन करना है, तो हम अलायंस अपने एक आइडियोलॉजिकली ओपोजिट को हम के साथ भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये जरूरत है, मतलब ये एक हमारी रियलिस्ट जो है ना वो जरूरत है इस वक्त, तो वो इसलिए फिर उन्होंने उसको चाइना को अपने साथ मिलाया। चलें जी, थैंक यू। आज असल में मेरी कुछ सर में दर्द है तो मैं सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।